हमलावरों का एक नया वीडियो सामने आया है इस पूरे मामले में, और ये वीडियो मूसेवाला की हत्या से पहले का है, जिसमें हमलावर मूसेवाला की हत्या से पहले गाना गाते नजर आए। हमलावरों ने हत्या के दिन नॉनस्टॉप फायरिंग का जिक्र किया और कैसे डाकुओं के अंदाज में एंट्री की बात वो कर रहे हैं। आपको ये भी बता दे, वहीं लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में मूसेवाला की हत्या के तार यूपी के हथियार सप्लायर कुर्बान इमरान गैंग से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल AK-47 बुलंदशहर से खरीदी गई, 8 लाख रुपए में खरीदी गई थी AK-47। ये बहुत बड़ा क्लू है, बहुत बड़ा खुलासा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ लगातार चल रही है, और उसी को लेकर जो इसके हत्या के तार है वो यूपी से जुड़े हैं। कुर्बान इमरान हथियार के सप्लायर हैं और उन्हीं से AK-47 बुलंदशहर से खरीदी गई, इसके लिए 8 लाख रुपए चुकाए गए थे। जिस दिन वारदात में अंजाम देवेंगे, फायरिंग नॉन स्टॉप होवेंगी, अरे उस तेरा सर खड़ा लिखावेगा, एंट्री डाकू वाले अंदाज में होवेगी। जिस दिन वारदात में अंजाम देवेंगे, फायरिंग नॉन स्टॉप होवेंगी, अरे उस तेरा सर खड़ा लिखावेगा, एंट्री डाकू वाले अंदाज में होवेगी। अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी इस पूरी खबर पर। अमित, एक तो ये जो नया वीडियो सामने आया है ये बताते हैं कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हाई था इन बदमाशों का, इन्हें कोई खौफ नहीं था। और दूसरा, जो AK-47 8 लाख की खरीदी गई है बुलंदशहर से, इसके बारे में और क्या कनेक्शन है, क्या अपडेट है? देखिए, कुर्बान अंसारी नाम का ये पूरा गैंग है, और इस गैंग में जो नदीम है वो काफी एक्टिव है, क्योंकि कुर्बान अंसारी जो है वो कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, वो 2016 में धरदबोचा गया था अत्याधुनिक हथियारों के साथ। उसके बाद नदीम इस सारे गैंग को जो है चला रहा था, NIA ने नदीम को उठाया, और उसके बाद सारी जानकारी भी ली AK-47 8 लाख रुपए की बुलंदशहर से। और आपको बता दूं कि और भी इसमें बड़े खुलासे होंगे। मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर बता देता हूं कि इनके पास काफी सारे अत्याधुनिक हथियार थे, और कितने भी कॉन्टेक्ट है अब NIA की टीम जो है वो सारे खंगाल रही है। कुर्बान अंसारी के नाम पर आज भी ये जो गैंग है वो एक्टिव है, लेकिन कुर्बान अंसारी जो है उनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना के बाद, उसके बाद नदीम जो है वो सारे गैंग को चला रहा है, और सारी चीजें सप्लाई से लेकर उसके जो है कहां तक पहुंचाना है, कैसे करना है, इसकी सारी प्लानिंग नदीम करता है, और नदीम से अभी पूछताछ हो रही है। और भी कई कनेक्शन जो है वो निकल के आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन हथियारों के भी कनेक्शन निकल के आएंगे, और कुर्बान जो अंसारी था उसका पूरा गैंग की जो कमान है अब नदीम के पास है। नदीम कई सारे गैंगस्टर्स, कई सारे जो है इंटरनेशनल आतंकियों के साथ भी कनेक्टेड, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं, और वो कई सारी चीजों की जो है वो जो खुलासे है वो कर रहा है, क्योंकि जांच हमें ये सामने आ रहा है कि कितने सारे कनेक्शन उनके हैं, और देश को दहलाने की जितने भी साजिश आतंकी संगठन कर रहे हैं वो उनकी मदद करने में लगा था, सोर्सेज ने ये बताया है। और मैं आपको बता दूं कि सारे हथियार वहां सप्लाई करना और वहां पहुंचाना, ये इस गैंग का काम है, कुर्बान अंसारी गैंग का, और इस समय अत्याधुनिक हथियार इनके पास जो है अवेलेबल है। 2016 में कुर्बान अंसारी को भी पकड़ा गया था, और अत्याधुनिक हथियार, काफी बड़ी कीमत के हथियार जो है वो 2016 में उसको उन हथियारों के साथ धर दबोचा गया था। वो जितने भी हथियार हैं वो कुर्बान अंसारी के बाद अब नदीम अपने पूरे गुर्गों के साथ जो है वो इस पूरे नेटवर्क को चलाता है, और लॉरेंस बिश्नोई से इसका पूरा जो है वो तार जुड़े हैं, जो अभी तक खुलासे में सामने आया। सोर्सेज ये बताते हैं कि जो बुलंदशहर से ये खरीदी गई AK-47 और 8 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है, और इसके बाद जो है बाकी जो इनके गुर्गे थे लॉरेंस बिश्नोई के वो इसके साथ पूरे इंटरेस्ट थे। और एक गैंग नहीं, अमित इसको ऐसे समझे, एक गैंग नहीं, मूसेवाला हत्याकांड में जो खुलासे हो रहे हैं गैंग वॉर को लेकर, गैंगस्टर्स को लेकर, वो कई और राज्यों के कई और शहरों से इसके तार जुड़ते हैं, जो कई बड़े गैंग्स का भी खुलासा कर रहे हैं। अमित, आपका धन्यवाद सारी जानकारी के लिए।